खबर रीवा जिले से है, जहां मनगवा से चाकघाट फोर लेन सड़क में सोहागी घाट में इस वर्ष कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन्हें रोकने के लिए घाट में आवश्यक सुधार तथा अन्य कार्य किए जा रहे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ सोहागी घाट का निरीक्षण किया। सोहागी घाट में ही आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सड़क में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सोहागी घाट के सुधार के लिए दीर्घकालीन और तत्कालीन उपाय शुरू करें। गत बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार घाट के कुछ स्थानों को चौड़ा करने तथा सड़क में तकनीकी सुधार के काम शुरू करें। इस रोड को पूरी तरह से सुरक्षित रोड बनाया जाएगा। वर्ष की 2-4 सड़क दुर्घटनाएं अच्छे फोर लेन के लिए बदनामी का कारण बन जाती हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि निर्माण एजेंसी आवश्यक संकेतक लगा रही है। सोहागी घाट में पर्याप्त संख्या में संकेतक लगाएं। घाट के चिन्हित स्थानों में सोलर ब्लिंकर तत्काल लगाएं। सड़क में जिन स्थानों पर मीडियन मार्कर खराब हो गया है, वहां उसे दोबारा लगाएं। बैठक में संभागीय प्रबंधक सड़क विकास निगम HNH गौतम ने बताया कि सोहागी घाट के प्रमुख स्थलों में रोड डिवाइडर में मीडियन मार्कर लगा दिया गया है। सभी पुराने सूचना बोर्डों को नया करके पुनः लगाया गया है। क्रैश बैरियर पर रेडियम स्टिकर लगाकर न्यू जर्सी क्रैश बैरियर की पुनः पेंटिंग करा दी गई है। जो मीडियन मार्कर क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे शीघ्र लगाया जाएगा। आगामी 15 दिनों की समय सीमा में सोहागी घाट में सोलर ब्रिंकर लगाने का कार्य पूरा हो जाएगा। सोहागी घाट के सुधार तथा सुरक्षा कार्य के लिए 11,50,00,000 रुपए का एस्टिमेट प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृत मिलते ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में सोहागी घाट के मुख्य भाग में नई रोड बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। बैठक में परियोजना अधिकारी मनीष त्रिपाठी, यातायात प्रभारी दिलीप तिवारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।